मेमोरी, ये एक लायम नेशन का बहुत ही अच्छा एक्शन मूवी में आता है, जहां पर लायम नेशन एक खतरनाक एसेसिन्स का रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुत ही शार्प शूट करता है, एकदम एक्यूरेट। और इसी के चलते उसको मिशन मिलता है एक लड़की को मारने के लिए। जब वो जाता है उस लड़की को मारने के लिए, तब उसे पता चलता है वो एक बच्ची है। तो ये उसका कोड कॉन्डक्ट में आ जाता है कि वो ऐसा काम नहीं करता। अब उस बच्ची को तो वो नहीं मारता है, लेकिन उसको जिस लोगों ने हायर किया था उस बच्ची को मारने के लिए, उनको मारने के लिए वो तरस जाता है और रिवेंज लेने के लिए निकल पड़ता है उन सबको मार गिराने के लिए। बट FBI उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, FBI उसको ढूंढने से पहले उन सब लोगों को मार देना होगा जिन्होंने उसको ये काम दिया था। We all have to die. What's important is what you do before you go. गन्स अकिम्बो 2019 का एक खतरनाक एक्शन मूवी, जिसमें डैनियल रेडक्लिफ लीड रोल में नजर आते हैं। इसमें स्टोरी दिखाया जाता है माइल्स का, जिसको एक खतरनाक मौत के गेम में पार्टिसिपेट कर दिया जाता है जोर जबरदस्ती। माइल्स के हाथ में दे दिया जाता है दो गन, जिसको कील ठोक के उसके हाथ से फिक्स कर दिया जाता है। अब उसी दो गन के सहारे माइल्स को जीतना होगा अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट और पूरा गेम में सर्वाइव करना होगा, और सर्वाइव करते हुए उसको अपनी गर्लफ्रेंड को भी किडनैपर के हाथ से बचाना होगा। ये वो कैसे करेंगे पूरे मूवी में दिखाया गया है। मूवी काफी अच्छा है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। Did I win? आता है वो है द व्हाइट हाउस डाउन। ये 2013 में रिलीज हुआ एक बहुत ही अच्छा एक्शन मूवी है, जिसमें आपको वन मैन आर्मी वाला फीलिंग्स देगा। इसमें स्टोरी दिखाया जाता है जॉन केल नाम का एक पुलिसमैन का, जिसको अपना ड्रीम जॉब मिलते मिलते नहीं मिला, वो भी सीक्रेट सर्विस एजेंट वाला जॉब जो प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करता है। उसको जॉब ना मिलने पे वो तो निराश था, लेकिन वो अपनी बेटी को निराश नहीं देख पाता, इसलिए उसने अपनी बेटी को व्हाइट हाउस घुमाने का वादा किया था। और वो अपनी बेटी को व्हाइट हाउस घुमाने लेके जाता है, बट उसी वक्त उस व्हाइट हाउस में टेररिस्ट का अटैक हो जाता है और उसकी बेटी उससे बिछड़ जाती है। अब कैसे जॉन अपनी बेटी को, प्रेसिडेंट को, इस देश को इस संकट से बचाता है अकेले उस व्हाइट हाउस के अंदर, कैसे वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करता है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। मूवी काफी अच्छा है, मूवी में लास्ट में एक ट्विस्ट मिलेगा, तो मूवी देखना जरूर, आपको मजा आएगा मूवी देखने में। द क्रिएटर, ये एक बहुत ही अच्छा 2023 में रिलीज हुआ साईफाई एक्शन मूवी है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के बीच में लड़ाई दिखाया जाता है। मूवी में दिखाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही सीक्रेट वेपन क्रिएट कर रहा है। अब उसको तबाह करने के लिए ह्यूमन लोग एक आदमी को भेजते हैं, जो कि स्पेशल एजेंट रहता है जोशुआ नाम का। वो जाके देखता है कि ये जो सीक्रेट वेपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है वो एक छोटी बच्ची है। अब क्या वो बच्ची को प्रोटेक्ट करेगा या वो बच्ची को मार देगा, वही मूवी में दिखाया गया है। बेसिकली ये पूरा मूवी उस बच्ची के आसपास ही चलेगा, तो मूवी देखना, मजा बहुत आता है इस मूवी को देखने में। इस फ्रेंचाइजी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, जॉन विक मॉडर्न डे एक्शन कियानो रीव्स के साथ, और वो भी इतना बढ़िया। आप ये मूवी का सीरीज तो मिस नहीं कर सकते हो अगर आप एक मूवी के फैन हो। ऑलरेडी जॉन विक का दबदबा पूरा दुनिया में बन चुका है। जॉन विक जो कि एक ब्रूटल असैसिन है। जॉन विक का कहानी शुरू होता है उसके बीवी के दिए हुए गिफ्ट किए कुत्ते से, क्योंकि उसके कुत्ते को एक गैंगस्टर आके मार देता है और उसका फेवरेट गाड़ी भी चोरी करके लेके चला जाता है। उसके बाद से जॉन विक अपना ब्रूटल रूप में वापस आता है और पूरा गैंग को खत्म करता है, उस आदमी को मारता है, उसके बाप को धोता है, सब कुछ पहला पार्ट में दिखाया जाता है। उसके बाद जाके जो कैसे दूसरे पार्ट में आगे बढ़ता है, क्या क्या होता है उसके साथ, कैसे वो फिर से वापस जाता है अपने ब्रूटल असैसिन वाले लाइफ में, और वहां से कैसे वो बाहर निकलेगा, ये पूरे चार पार्ट में दिखाया गया है। हो सकता है इसका फ्यूचर में एक और पार्ट निकले, बट ये चार पार्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मॉडर्न डे एक्शन मूवी है।